अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जॉब जर्नल में खुश आमदीद। नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज की वीडियो में हम आपको MES से रिलेटेड जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। MES के टेस्ट मैसेजेस जैसे कि हो रहे हैं आपके इल्म में होगा, तकरीबन उनके टेस्ट जो है वो ख़त्म होने वाले हैं, तो इसके बाद इंटरव्यू का मरहला है। तो इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल डिटेल देंगे कि आपके इंटरव्यूज़ जो हैं वो कब से शुरू हो रहे हैं और अपॉइंटमेंट लेटर्स वगैरह जो हैं वो आपको कब से इशू किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपने जो है वो गूगल पे आ जाना है। यहाँ आपने MES लिखना है जस्ट, और ये पहले आप देख सकते हैं MES वालों की वेबसाइट जो है वो आपके सामने है। तो इस पर आपने क्लिक कर देना है, आपके पास ये वाला वेब पोर्टल खुल जाएगा। ये आपको याद होगा, यहाँ से आपने अपना प्रिंट कॉल लेटर किया होगा अपने टेस्ट के लिए। तो जस्ट आपने ये सेकेंड वाले नंबर पर आ जाना है, शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज़ पर। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ आप नीचे देखें, आपके पास एक पेज खुला जिस पे मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है। फेज़ वन यानी सबसे पहले हमने जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह जमा करवाई थी 23 अगस्त से 7 सितंबर तक। उसके बाद फेज़ टू में हमने स्क्रीनिंग टेस्ट दिया है जो 28 अक्टूबर से शुरू थे और 10 अक्टूबर तक जो है वो टेस्ट चलेंगे। तो आज गालिबा 8 तारीख है, तो 1-2 दिन में ये टेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। फेज़ थ्री में आपके इंटरव्यूज़ होंगे, आप यहाँ देख सकते हैं BPS 1 से लेकर 14 तक के। तो 20 अक्टूबर से आपके इंटरव्यू जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। 30 अक्टूबर यानी इन 10 दिनों में आपके इंटरव्यूज़ चलेंगे। तो इंटरव्यू के लिए अभी आपके रिटर्न टेस्ट जब 10 तक पूरे हो जाएंगे तो ये बाकी 10 दिनों में कुछ रिज़ल्ट वगैरह का जो है वो करेंगे। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कुछ मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। तो 20 से 30 तारीख तक आपके जो है वो इंटरव्यू चलेंगे फेज़ थ्री में। उसके बाद फेज़ फोर है, तो फेज़ फोर में प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एंड इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स। तो इंटरव्यू जब 20 से 30 अक्टूबर तक हो जाएंगे तो उसके बाद फेज़ फोर में आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार होगी और अपॉइंटमेंट लेटर आपको जो है वो इशू हो जाएंगे। और ये कब होंगे, तो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, यानी नवंबर के पहले हफ्ते में आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है वो इशू होना शुरू हो जाएंगे। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, तो आपने अभी से तैयारी वगैरह शुरू कर लेनी है इंटरव्यू के लिए। नीचे आप देख सकते हैं एक्टिविटी वाइज इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आपको कुछ और मज़ीद डिटेल दी हुई है। टोटल ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 4,19,350 लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवाई थी, जिसमें से जिन कैंडिडेट्स ने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स वो डिपॉजिटेड ऑनलाइन फ़ी, जिन्होंने फ़ीस जमा करवाई वो फिर 2,24,060 थे, यानी बकाया लोगों ने फ़ीस नहीं जमा करवाई। नंबर थ्री पे कह रहे हैं जो टेस्ट में अपेयर हुए फिर वो 1,89,744 थे, यानी इतने लोगों ने जो है वो टेस्ट दिया है। जनरेशन ऑफ SMS टू अपेयर स्क्रीनिंग टेस्ट, ये आपको SMS आया था जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए BPS 6 से 14 वालों को, तो तमाम कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया था SMS के थ्रू, तो उन्होंने फिर अपने कॉल लेटर जो है वो डाउनलोड कर लिए थे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए। तो ये इस तरीके से आपको कुछ डिटेल दी हुई है कि ये अब देखें नंबर सिक्स पे आपको दिया हुआ है कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो इतने स्टेशन पर लिया गया 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक। उसके बाद मज़ीद कुछ डिटेल हैं, ये सारे आप पढ़ लें तो इनको आपको बहुत सारी मालूम यहाँ से मिल जाएगी। ये आप देखिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट की बेसिस पे वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए। उसके बाद प्लेसमेंट ऑफ कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू, फिर आपको जिस तरीके से आपका रिटर्न टेस्ट का कॉल लेटर था इसी तरह इंटरव्यू का आपका एक कॉल लेटर जो है वो जारी कर दिया जाएगा, आपको SMS के ज़रिए आगाह कर दिया जाएगा, वो आप यहीं से आगे फिर डाउनलोड कर लेंगे। फिर आपका होगा कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू, तो ये 5-6 सेंटर्स पे आपका जो है वो इंटरव्यू वगैरह होगा। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट रिजल्ट, और फिर इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स, प्लेसमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, फिर जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाएंगे उनकी लिस्टें जो है वो लग जाएंगी। तो ये आखिरी मरहला था। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको मुकम्मल इंटरव्यू अपॉइंटमेंट लेटर के बारे में मुकम्मल डिटेल दी गई थी। और जिन दोस्तों के टेस्ट अभी रहते हैं ये 1-2 दिन में, जिनके रिटर्न टेस्ट अभी हो रहे हैं, तो वो ऊपर आई के निशान पे क्लिक करके MES के जो पिछले पेपर हो चुके हैं उनके क्वेश्चंस वहाँ से देख सकते हैं टेस्ट की तैयारी के लिए, या तो इस वीडियो के आखिर में आपको वो वीडियो सजेस्ट हो जाएंगी स्क्रीन पर, तो आप वहाँ से जाके तैयारी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।